युवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से बीपीएल कार्ड योजना को जोड़कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ बिचौलियों पर भी कड़ा प्रहार किया और उन्होंने सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में 17 वार्डो के लोगों में बीपीएल कार्ड वितरित किए। किसी भी गरीब इंसान को अपनी जूतियां या अपनी चप्पलें घिसानी ना पड़े, क्योंकि आज की डेट में मिडल मैन होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम मुझे अपने कागज दे दो। जब बन जाता है तो भाई मैंने इतने पैसे लगवा कर तेरा काम करवाया था। जिनको आज ये बीपीएल कार्ड मिले हैं, क्या इन्होंने एक रुपया भी किसी को दिया है? और ना ही देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको आके ये कहे कि ये मैंने बनवाया है या मैंने आपके लिए पैसा खर्चा किया है, तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं, प्रशासन पुलिस के पास जा सकते हैं उसकी शिकायत करने के लिए, क्योंकि किसी का भी एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा इसमें। भाई संदीप सिंह सूरमा, भाई संदीप सिंह सूरमा। हमारे जिले के अंदर सबसे पहले बीपीएल कार्ड जो वितरित जो हैं वो शुरू हुए हैं। सिरसा और कुरुक्षेत्र दो ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे पहले बीपीएल कार्ड बनने शुरू हैं। आप लोगों के साथ बातचीत करने का, आप लोगों को बीपीएल कार्ड वितरण करने का ये पहला प्रोग्राम था। 10-11 तारीख तक जितने भी बने हैं सबके घर में ये पहुंच जाएंगे। और जितने भी हमारे साथी हैं, मीडिया के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो साथी जिनके बीपीएल कार्ड बने हैं और जिनके आपने परिवार पहचान पत्र बनवाया, उसमें जो आपको मैसेज आए हैं उसके ऊपर ध्यान दें, उससे आपको सारे लिंक मिलेंगे। अभी परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार द्वारा दे रहे हैं, वो सारी उसको मिलेंगी जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है। और कई परिवार पहचान पत्र में गलती से जिनकी आय जो है बड़ी गलती से डली है, उसका भी प्रावधान अभी शुरू करने वाले हैं उसको चेंज करने का, तो उसके अंदर भी करें। लेकिन एक चीज जरूर है, ये सारा का सारा आपका डिजिटल है और डिजिटल होने के कारण से आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में, उससे ये उठाता है। तो ये जो भी आप अपनी इनकम डाल रहे हैं या डाली हुई है, इसके साथ सच के साथ ही करें, क्योंकि कई लोगों ने ऐसी है कि उनकी इनकम तो बहुत कम है लेकिन उनके अकाउंट में किसी न किसी माध्यम से पैसे आए हुए हैं। बैंक अकाउंट में जो आपकी डिटेल होगी वो सारी इसके अंदर रहेगी, आपकी कितने परिवार में कितने मेंबर्स हैं, उनकी इनकम कितनी है, सालाना इनकम कितनी है, उसमें से सरकारी नौकरी कौन लगा हुआ है, आपके परिवार में घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी उसमें मेंशन होती है। जब ये चीजें होंगी तो उससे पता चलेगा कि आपकी इनकम होने के बाद, और आपको चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, बीपीएल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, कई जो आपकी सुविधाएं हैं वो इसके साथ जुड़कर आपको मिलेंगी। आप जो भी पढ़े उसको भरने के टाइम आप अपने परिवार, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो किसी अपने परिवार के जो बच्चे हैं या जो पढ़ा लिखा है पड़ोसी है उसको साथ ले जाकर भरें, जिससे कि आपका फायदा होगा और सरकार की जितनी स्कीम्स हैं वो आप तक पहुंचे, आपके द्वार तक पहुंचे। मैं इतने कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। एक हरियाणा सिटीजन होने के नाते, हिंदुस्तान का सिटीजन होने के नाते, इतनी बड़ी पहल हरियाणा ने की है कि परिवार पहचान पत्र जो है उसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि कौन 1,80,000 से नीचे हैं, उनको जो भी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार द्वारा हम बनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा स्कीम लगाकर और उस परिवार पहचान पत्र के जो नीडी लोग हैं उन तक पहुंचने का ये पहल काम है बीपीएल कार्ड का। लगभग इस जिले में 36,000 के आसपास जो हैं वो बीपीएल कार्ड वितरित हो रहे हैं, उसमें से 7,000 के आसपास भिवा हल्के के अंदर बांटे जाएंगे। और मुझे पूर्ण यकीन है कि ये जो संख्या है और बढ़ेगी, क्योंकि जो इसके नीडी हैं, हम सब फील्ड में निकलते हैं तो काफी ऐसे हैं परिवार, ये बहुत टाइम के बाद बीपीएल कार्ड मिल रहे हैं तो लोगों के अंदर खुशी भी है। और कई ऐसे भी परिवार हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनका बनकर उनके पास मिले। और इसमें मैं सभी लोगों को, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, इसकी सरकार द्वारा है, जो बीच के बिचौले ये कह रहे हैं कि हम लोगों आपको कागज दीजिए हम बनवाएंगे, वो सरासर झूठ है, उनसे बचें। और दूसरी बात, आपके मोबाइल में जब भी कोई मैसेज आता है परिवार पहचान पत्र के
माध्यम से उसको जरूर पढ़ें। अगर आप पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप अपने आस पड़ोस के भी हिस्से बच्चों से पढ़ाएं, क्योंकि वो मैसेज से ही आपका अगला कार्य होगा। परिवार पहचान पत्र के तहत चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उस योजना से आप ये जो है परिवार पहचान पत्र के लाभ उठा पाएंगे।